हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्बिटोन सिरप के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है या बॉडी कमज़ोर है या थकान महसूस होती है, ये समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए अब जानते हैं आर्बिटोन सिरप के बारे में। आर्बिटोन सिरप एक कॉम्बिनेशन और मल्टीमिनरल सिरप है, जिसमें कॉम्बिनेशन है फेरिस ग्लूकोनेट 129.5 mg, विटामिन B12 1.25 mcg, कैल्शियम 75 mg, फोलिक एसिड 0.25 mg होता है। आइए अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल खून की कमी, अनीमिया, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी या फोलिक एसिड की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तब हम सिरप का यूज कर सकते हैं। या हमें वीकनेस हो रही है, भूख नहीं लग रही है, बॉडी में खून कम हो गया है, तब हम इस सिरप का भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से आर्बिटोन सिरप का उपयोग खून की कमी को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। उनके अंदर मल्टीविटामिन या आयरन फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, तब ये उनको पूरा करने में काफ़ी लाभकारी और फायदेमंद होता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं, वैसे तो साइड इफेक्ट नहीं होते, फिर भी इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि अपच की शिकायत, मुंह में कड़वापन, शरीर में खुजली की शिकायत, जी मचलाना, टॉयलेट काली आना, ये कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं। अगर ये आपको नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। वैसे तो आर्बिटोन सिरप का उपयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करें, और इस सिरप का उपयोग आयु और शरीर के वजन के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति को इस सिरप का उपयोग 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। इसकी कीमत है 200 ml सिरप की। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, जाकर परचेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आर्बिटोन सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।